हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस टर्न पर कई टाइप के क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हैं। तो जैसे मान लो प्रीवियस टर्न पे इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे कि मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा रहा था, एन इक्वल टू एम जी, ऐसे एन ऊपर एंड एम जी नीचे, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या था, एन इक्वल टू एम जी। फिर एक हमने ऐसे लगाया था, एक ऐसे लगाया था, वो सब मतलब कई टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, ऐसे एक ब्लॉक और है, ठीक है, तो ये ऊपर वाले ब्लॉक का अगर मास m है, नीचे वाले का m1 है, तो अगर इन दोनों के बीच में हमें नॉर्मल रिएक्शन देखना हो, यहाँ पर इन दोनों के दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो दोनों ब्लॉक के बीच में अभी ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर वाले का वेट होगा, मतलब ऊपर वाला इस नीचे वाले ब्लॉक पर क्या लगाएगा, नीचे को एक वेट लगाएगा mg, और इसी को ये बैलेंस करेगा n, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है ऊपर वाले पर, n इक्वल टू एम जी। बट अगर नीचे वाले पर मान लिया जाए नॉर्मल रिएक्शन n2 है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n2 है, तो नीचे वाले पर नीचे वेट क्या हो जाएगा, m1 प्लस एम टू जी, तो इस पर ये तो हो गया एम जी, यहाँ इसको कौन बैलेंस करेगा, ये n1 हो गया, ये मास m1 m2 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया m1 g, नीचे वाले ब्लॉक पर दोनों का मास लगेगा, तो ये हो गया m1 प्लस m2 g, तो n1 क्या हो गया, n1 इक्वल टू m1 g, मतलब इस एन वन क्या हो जाएगा, एम ओन जी, जो एम ओन जी इसका वेट लग रहा है नीचे वाले ब्लॉक पर, वही हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम ओन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एम ओन पर क्या, एम ओन ब्लॉक पर क्या लग रहा है, एन वन, और वो है एम ओन जी। ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एम टू ब्लॉक क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू जी, ठीक है, वेट इसमें दोनों का आ गया, तो ये दोनों के वेट इंटू जी के इक्वल फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी को जो बैलेंस करेगा उसको नॉर्मल रिएक्शन आप एन टू ब्लॉक बोल देंगे, और वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एन टू ब्लॉक जो होगा वो होगा एम वन प्लस एम टू जी, जो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एन एम टू ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो ये हमारे पास यही सिस्टम था, और ये सिस्टम हमने ऐसे रिलीज कर दिया, ये मान लो स्पेस या एयर में था और इसको हमने रिलीज कर दिया, ठीक है, तो रिलीज कर देंगे तो इस पर नीचे को एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी, इस पर भी नीचे को एक्सेलरेशन आ जाएगा जी, तो अब इन दोनों के बीच में क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, वो कुछ इस टाइप से केस आ गया, यहाँ पर देखिए ये एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, ये m, ये मान लो 2m, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे एक राड लगा के यहाँ पर फोर्स लगाया गया है f, इस पे फोर्स लगाया गया 2f, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस पर इंडिविजुअल फोर्स क्या लग रहा है f, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया f by m, मतलब a एक्सेलरेशन हो गया f by m, इसका a क्या हो गया 2fy2m, मतलब fym, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन अगर इक्वल हो गया तो यहाँ पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन इक्वल हो गया तो यहाँ पर क्या कोई फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, जीरो, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगा, मतलब दोनों पर इस पर एफ वन फोर्स लगाया गया, इस पर 2f फोर्स लगाया गया, तो मास 2m था तो एक्सेलरेशन f बाई m हो गया, सेम मास होता तो सेम फोर्स लगाना पड़ता, तब इसका एक्सेलरेशन सेम होता, और फोर्स इस टाइप से हमने लगाया है कि यहाँ बीच में हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, ये समझाने के लिए लगाया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मास ले लो, इसको ले लेते हैं m, या किसी को भी m 2m ले लो, m 2m, तो नीचे वाले पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा,
2mg, ऊपर वाले पर क्या लगेगा m1g। अब अगर इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई 2m, तो फिर g आ जाएगा। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों पर एक्सेलरेशन कितना है g, तो अगर दोनों पर एक्सेलरेशन g है तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा जीरो, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू जीरो। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अगर कोई दो बॉडी फ्री फॉल कर रही है और वहां पर दोनों पर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ऐसे ही अगर दोनों पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, दोनों बॉडी पर अलग अलग फोर्स लग रहा है और वो सेम एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं, तो दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ठीक है, तो यहां पर अगर तीन बॉडी होता, तीनों को फ्री फॉल कर दिया जाए अंडर ग्रेविटी, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो। ये सबको क्लियर हो रहा है। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ये हो गया थीटा, यहां पर मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे एम, तो पहले इसको रिजॉल्व करना एक बार बता देते हैं, हमेशा आएगा एक बार बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर देखो नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है जी, इधर क्या लगेगा, ये देखो ये एंगल देखो क्या हो गया ए एंगल, ये थीटा, तो ये है 90, ये 90, इधर वाला भी 90, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये वाला ये 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, इसको कई टाइप से आप निकाल सकते हो, मैंने सबसे सिंपल मेथड बताया है, ये थीटा यहाँ पर 90 बन रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये 90 है, ये तो ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल को यहाँ बना लो, अब इस वाले ट्रायंगल में देख लो, तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 180 के बराबर करोगे तीनों एंगल जोड़ के, तो ये क्या आ जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो अब इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, इधर नीचे जी लग रहा है, अभी हम मैंने केवल एंगल बताया है कि ये थीटा कैसे होगा, तो ये सब लोगों को पता चल गया ये थीटा कैसे होगा, इधर जी लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इसको थीटा में रिजॉल्व कर दीजिए, तो जी कॉस थीटा, और इसके 90 पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या लगेगा जी साइन थीटा। ठीक है, नीचे जी, इधर जी साइन थीटा, इधर जी कॉस थीटा। ये अगर इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन फिक्स है और ये इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन नहीं है उस समय का, ये बात हो रहा है, तो इधर इस पर एक्सेलरेशन कितना जी साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है जी कॉस थीटा, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा एम जी एम इंटू जी कॉस थीटा। अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो बेट लेंगे, तो इधर एम जी, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, तो फोर्स की अगर बात करें तो इधर कितना फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा यहां पर एम जी कॉस थीटा, तो ये हो गया एन, नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितना हो गया एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी कॉस थीटा। इधर अगर एक्सेलरेशन इसका इंक्लाइंड प्लेन पर बोला जाए तो क्या होगा जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा जी साइन थीटा। अब जैसे ये वाला ब्लॉक हमने बताया था, इसको हमने फ्री फॉल कर दिया, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा जीरो, क्योंकि दोनों पर ही सेम एक्सेलरेशन, जी इस पर भी लग रहा है, जी इस पर भी लग रहा है। तो अगर एक ब्लॉक यहां पर हम और रख दें, एक ब्लॉक हमने यहां पर और रख दिया और ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, तो अब इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अगर दोनों को हम स्मूथ सरफेस है और दोनों को हमने फ्री छोड़ दिया गिरने के लिए, तो अब यहां भी इस पर भी कितना, इस पर कितना एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा, इस पर कितना लग रहा है, इस पर भी जी साइन थीटा लग रहा है, इधर जी कॉस थीटा लग रहा है, बट इधर मूवमेंट हो नहीं रहा है, इधर तो सबका नॉर्मल रिएक्शन पता ही है, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन वन, इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर एन टू मान लें तो इस डायरेक्शन में एन वन, इधर एन टू क्या हो जाएगा एम टू जी कॉस थीटा, बट यहाँ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जीरो, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो। जीरो क्यों होगा, सेम थ्योरी जो यहाँ पर काम कर रहा था, जो यहाँ पर काम कर रहा था कि अगर एक बॉडी पर सेम एक्सेलरेशन आ रहा है दोनों बॉडी का, इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन सेम है और अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, अब तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा जीरो। ऐसे यहाँ भी देखो सेम एक्सेलरेशन लग रहा है दोनों बॉडी पर, और फोर्स अगर फोर्स की बात करें तो इस पर 2mg,
इस पर mg, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। जीरो क्यों हो गया, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन लग रहा है और अलग अलग बॉडी पर अलग अलग फोर्स लग रहा है। ये mg ऊपर वाली बॉडी पर लग रहा है, 2mg नीचे वाली बॉडी पर लग रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर जो हमने ये m प्लस m1g नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, ये नीचे वाले का पूरा नॉर्मल रिएक्शन हमने दिखाया है, ठीक है, नीचे वाले का इन दोनों बॉडी के लिए नॉर्मल रिएक्शन। तो उसको लिखेंगे n2 इक्वल टू m1 प्लस m2 g, ठीक है, ये m2 है, g नहीं है, ये m2 g, ठीक है। यहाँ पर फिर से आप समझिए, सबसे पहले इसको हमने फोर्स को रिजॉल्व किया, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे तो g आएगा इधर, इधर रिजॉल्व करेंगे g cos थीटा, इधर g sin थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें हमें वेट लेना पड़ेगा, तो वेट के लिए mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो नीचे mg लग रहा है इस डायरेक्शन में, mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इसका क्या करेगा, mg sin थीटा फोर्स इस पे एक्सेलरेशन लाएगा, जो m से डिवाइड करेंगे तो g sin थीटा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा g sin थीटा होगा अगर और कोई फोर्स नहीं लगा है तो। और mg cos थीटा जो हमारा लग रहा था वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इतना लगाएगा ये बॉडी इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से n1 क्या हो गया, m1g cos थीटा, n2 ऐसे ही क्या लगाएगा इधर इस डायरेक्शन में, m2 का इधर वेट क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, m2g cos थीटा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n2 क्या हो गया, एम टू जी कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन देखना है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन देखना है तो क्या हो जाएगा, एन एन इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि दोनों पर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में सेम है, दोनों पर एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों पर फोर्स तो सेम नहीं बोल सकते, एक्सेलरेशन हमें सेम बोलना पड़ेगा, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग फोर्स बैरी कर जाएगा, बट फोर्स बैरी करेगा तो उस पर डिवाइड करने वाला फोर्स भी बैरी कर जाएगा, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन सेम है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में अगर फ्रैक्शन कहीं नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा। बट अगर यहाँ पर फ्रैक्शन होता तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ आता, वो जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पर जितना हमने कंडीशन दिखाया ये सबको क्लियर होगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एम जी है, ये हमने डिफाइन कर दिया, इसको हमने बताया अगर कोई फ्री फॉल कर रहा है तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कैसे जीरो हो जाएगा, इसमें भी हमने बताया यहाँ भी फ्री फॉल ही है ये, बट केवल यहाँ पर जी था एक्सेलरेशन, यहाँ जी साइन थीटा हो गया, तो यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा। इसमें आप कितने भी बॉडी का बढ़ा लो, यहाँ पर मान लो एक बॉडी और ले लो, तो इसके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। ऐसे ही एक बॉडी यहाँ और ले लो तो यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। तो इस टाइप से आप इसमें कई बॉडी ऐड कर सकते हो, अगर फ्री फॉल है तो सबके बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। तो इसको नोट करिए। चलो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उस एक कॉन्सेप्ट और मैं बताता हूँ, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे दो कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रिंग में मान लो मास m, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, जो इसका वेट होगा, वेट mg। तो यहाँ पर टेंशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, T इक्वल टू एम जी, ठीक है, T इक्वल टू एम जी। अब हम बोल रहे हैं कि ये सिस्टम को हम A एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम था M मास, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, A एक्सेलरेशन से ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर को इसमें हमने एक्सेलरेशन दे दिया ऊपर की डायरेक्शन में A। तो नीचे क्या लग रहा था, नीचे अभी तक लग रहा था जी, ठीक है। तो अब इसमें टेंशन निकालना है, टेंशन टी निकालना है यहां पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इक्वेशन बना के निकालो, तो मैं इक्वेशन बना के नहीं निकालने के लिए बता रहा हूं आपको, हम इसका रिलेटिव एक्सेलर इसको इसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे। जैसे यहां पर रुका था तो यहां पर टेंशन क्या था, जब ये रुक गया था मतलब ये सिस्टम चल नहीं रहा था, तो यहाँ पर m इंटू जी मतलब जो इसका मास है इंटू इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है वो। तो यहाँ पर अगर हम इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अभी ये चल रहा है, अब अगर इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ले तो रिलेटिव में हमने क्या बताया था कि जब भी किसी के रिलेटिव में किसी का वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेते हैं तो डायरेक्शन पलट के ऐड हो जाता है, ठीक है, डायरेक्शन पलट के ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऊपर को है, इसका डायरेक्शन नीचे को है, तो जब डायरेक्शन पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो नीचे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए,
ठीक है, जी प्लस ए, एम से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वेट हो गया, यही टेंशन होगा। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या मान ले रहे हैं कि ये रुक गया है, यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर जो हमने रिलेटिव में ले लिया तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि रुक गया। तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी प्लस ए, ये सबको क्लियर है। ए से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर आ गया जी प्लस ए, अब ए से मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है, ए से इस सिस्टम को हम नीचे ला रहे हैं, एम ए से ये सिस्टम नीचे आ रहा है। तो अब इसका इफेक्टिव, अब हम बार बार अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ए से अगर नीचे आ रहा है तो अब हम यहां की इसको क्या मान लिए कि ए हो गया, ए जीरो हो गया, तो ये ए यहां पर पलट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, तो इसका डायरेक्शन नीचे। अब ए का डायरेक्शन अगर हम इसमें, ए का डायरेक्शन अभी किधर था, ए का डायरेक्शन नीचे नीचे की तरफ था, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अब डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब डायरेक्शन पलट के जोड़ना, मतलब नेगेटिव साइन हो गया। तो g माइनस ए ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, m कर दिए तो क्या हो गया वेट, तो टेंशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एम जी माइनस ए, ठीक है। अब यहां पर देखो, अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई फ्री फॉल हो रहा हो तो वहां पर उसके ऊपर कुछ रखा हो तो ना तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो अगर ये फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जी ए इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जी इक्वल टू ए, अगर ए से ये नीचे, मतलब जी से नीचे आने लगे, ए इक्वल टू क्या हो जाए जी, ए इक्वल टू क्या हो जाए जी, तो यहां पर जी माइनस जी क्या हो गया जीरो, मतलब टेंशन क्या हो जाएगा जीरो। जो हमने दो ब्लॉक एक पर रख के गिराया था, फ्री फॉल किया था, सेम वही कंडीशन है, उसमें बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या आ रहा था जीरो, तो यहां भी नॉर्मल रिएक्शन, अगर इन इन दोनों के बीच में या तो थ्रेड होता है या नॉर्मल रिएक्शन होता है, दोनों का काम वही होता है, सेम होता है दोनों। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, टेंशन यहां पर कब जीरो हो जाएगा, जब ये जी से नीचे आने लगे पूरा सिस्टम, तो टेंशन क्या हो जाएगा जीरो, अगर जी से ऊपर जाने लगे तो क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा टेंशन, टी यहां पर जी प्लस जी होगा तो टू जी हो जाएगा, टू जी इंटू एम टू एम जी। तो अगर ये हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ये बताना है कि इस सिस्टम को में किस टाइप का कैसा एक्सेलरेशन हम लाएं कि एक बार फर्स्ट पार्ट टेंशन जीरो हो जाए, एक बार टेंशन दो गुना हो जाए, टू टाइम्स हो जाए। तो जब हम इसको जी से नीचे लाने लगेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा जीरो, जी से ऊपर ले जाने लगेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा टू एम जी, अगर इसको रेस्ट में हम केवल रखेंगे तो टेंशन क्या रहेगा एम जी। तो मतलब जब भी हम एक्सेलरेशन ऊपर को बढ़ाएंगे टेंशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे को बढ़ाएंगे टेंशन घट जाएगा, ठीक है। तो ये सब कंडीशन आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लो ये यही सिस्टम था ऐसे, इसमें हमने ए इधर को लगा दिया, ठीक है, इधर ना लगा के ए इस डायरेक्शन में लगा दिया हमने। तो यहाँ पर देखो, जब इस टाइप का कोई कोई पार्ट आता तो उसमें एक पार्ट आता है स्यूडो फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स हम अलग से एक टर्न पे कभी डिस्कस करेंगे, इसको काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बट अभी ये तुमको याद होना, अभी ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्यूडो फोर्स जो हमारा न्यूटन्स थर्ड ला था, उसमें क्या था कि रिएक्शन मतलब किसी भी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो वहां पर जो फोर्स लगता था उसमें कुछ कंडीशंस थे, उसमें था फोर्स सेम टाइप का होना चाहिए और ये तभी हम वैलिड करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड ला, मतलब एफ इक्वल टू एम ए तब वैलिड होता है जब हमारा ये इनर्शियल फ्रेम में हो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आ गया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाता है, और जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, और स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो यहाँ पर पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है ए, मास ऑफ बॉडी क्या है एम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्यूडो फोर्स आएगा और वो अपोजिट होगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, ठीक है एम ए। तो इधर एक्सेलरेशन क्या हो गया ए,
मतलब अगर उसको और आसान छोटे टर्म में आप देखो तो ए इधर था, जैसे ए ऊपर रहता था तो हम लोग उसको पलट के इसको दे देते थे, ऐसे ही ए इस डायरेक्शन में है तो हमने इस ए को क्या कर दिया, पलट को इसको दे दिया, तो ए इधर हो गया और जी किधर हो गया, जी पहले से ही लग रहा है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा और ये थर्ड ऐसे हो जाएगा, मतलब ए इधर को लगेगा। तो अब ये मान ले रहे हैं हम यहाँ पर कि इस एक्सेलरेशन को हमने ऐसे कर दिया, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा मास ऐसे, और जी इधर लग रहा है और ए ऐसे लग रहा है 90, ठीक है 90 डिग्री पर। तो इसका कुछ रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा जो इसी थ्रेड के डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ पर होगा, इस थ्रेड के डायरेक्शन में होगा। और ये हो गया जी नेट, ये जी नेट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर हमें जी पता चल गया तो इस पर बेट क्या लगेगा, बेट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बेट लगेगा इनटू एम, तो वही टेंशन होगा, टेंशन मतलब एम, इसका मास एम है, एम इनटू रिजल्टेंट जी जो हमारा होगा टेंशन या बेट। तो रिजल्टेंट जी की इसमें अगर हम बात करें रिजल्टेंट जी का, वही टेंशन होगा, तो एम इनटू रिजल्टेंट जी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंशन, अगर कब, जब ये ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा ये बताना हो कि टेंशन वर्टिकल से कितने डायरेक्शन पे, कितने एंगल पे लग रहा है, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते हो कि टेंशन वर्टिकल से कितने एंगल पर लग रहा है। तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा ए बाई जी, टेन थीटा ए बाई जी, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ पर ये थ्रेड बांधा हुआ है वहाँ से अगर हम नॉर्मल बनाएं, इस प्लेन पर नॉर्मल बनाते हैं तो उससे कितना एंगल बनाएगा, जो हमारा थ्रेड है ए बाई जी, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो रहा है, इसमें हमने ऊपर जाने वाला कर लिया, नीचे जाने वाला कर लिया, इस साइड में जाने वाला कर लिया। अब अगर मान लो दोनों साइड में जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, चलो एक केस हम ऐसा ले लेते हैं, अब हम कई डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक ही में बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो ये एम था, इधर ए एक्सेलरेशन, ऊपर बी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब इसका इस पर स्यूडो फोर्स एक इधर को लगेगा, एक इस डायरेक्शन में, तो ये इसका फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन कुछ इस टाइप से बनेगा ऐसे, और नीचे के डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या होगा, ऊपर बी है तो ये नीचे आके जुड़ जाएगा, तो ये जी प्लस बी जो भी हमने इसमें किया था, इस वाले में ऊपर जा रहा था तो ये जी प्लस यहाँ पर ए से क्या जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो ये बी से ऊपर जा रहा है तो जी प्लस बी हो गया, ए से इधर जा रहा है तो इस पर एक स्यूडो आ जाएगा, जिससे एक्सेलरेशन हम इसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं ए। अब यहाँ पर क्या आएगा, दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, इसी के डायरेक्शन में आएगा दोनों का रिजल्टेंट, जो इस लाइन के ही डायरेक्शन में होगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी नेट, तो जी नेट क्या होगा, जी नेट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया जी नेट। तो टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेंशन टी इक्वल टू इसका मास एम इंटू रिजल्टेंट जी, तो ए स्क्वायर प्लस जी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया टेंशन। तो अभी हमने देखो कितने केस कर लिया, ये जो फिक्स मतलब यहाँ पर हैंग किया हुआ था, कोई भी इसमें एक्सेलरेशन नहीं था, ऊपर को एक्सेलरेशन फिर नीचे को एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमने ये बताया डबल कब हो जाएगा, जब ऊपर जी से जाएगा
और जब नीचे आ रहा है तो टेंशन जीरो कब हो जाएगा, जब जी से नीचे आने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने इसको ए से इधर चला दिया, ए एक्सेलरेशन से अगर इधर जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा एम ए, तो इधर हमने इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करके इसको दे दिया तो इसका रिजल्टेंट आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा एम इंटू रिजल्टेंट जी। अब अगर कोई ए से इधर जा रहा है इसको हम हैंग कर दें तो ये ऐसे वर्टिकल नहीं ये हैंग करेगा, इस वाले इस एंगल पर हैंग करेगा थीटा, जो कि वर्टिकल से होगा ए बाई जी एंगल पर ये हैंग करेगा, ये ऐसे सीधा ना रहेगा ऐसे रहेगा, और उसका जो वेट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, और वो होगा जी एम इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ बी से ऊपर जा रहा है, ए से इधर जा रहा है तो इसका नीचे रिजल्टेंट इसको जाएगा तो ये पलट के इसका डायरेक्शन जुड़ जाएगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो जुड़ गए, जी प्लस बी हो गया, ए इधर आया तो इसका रिजल्टेंट यहाँ निकाल लिया हमने और यहाँ पर हमारा टेंशन आ गया ए स्क्वायर प्लस जी प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट, ये रिजल्टेंट आया तो टेंशन आ गया एम इंटू ए स्क्वायर प्लस जी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एंगल निकालना हो कितने एंगल पर ये हैंग करेगा, तो जो ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा हम निकाल लेते हैं तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू ए अपान जी प्लस बी, इस एंगल पे हैंग करेगा। ठीक है, तो बाकी और आगे कंडीशन देखते हैं, चलिए इसमें और थोड़ा सा और अच्छा कंडीशन देखते हैं। तो ये मान लो हमारे पास एक सिस्टम था एम मॉस, अब इसको हम ए से मान ले रहे हैं कि थीटा पर ये जाने लगा। ठीक है, ए से थीटा पर जाने लगा, तो जैसे हमने पिछला केस बताया उसी टाइप में इसको चेंज कर लेते हैं हम, तो इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, इधर आ गया ए कॉस थीटा, ऊपर को आ गया ए साइन थीटा। तो अगर इसका हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो स्यूडो इधर लगेगा तो कुछ ऐसे ब्लॉक आ जाएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीचे पहले से क्या लग रहा था जी, ऊपर क्या है ए साइन थीटा, तो ये आके जी में ऐड हो जाएगा जैसे हमने पहले समझाया, तो ये ए साइन थीटा हो गया। इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ये वाला आएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी हमारा पुराना केस बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा जी नेट, तो जी नेट क्या होगा, जी नेट इक्वल टू रूट ऑफ जी जी प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा जी। अब अगर इसमें टेंशन निकालना हो तो टेंशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इसका वेट अगर एम है तो एम इंटू इफेक्टिव जी, तो इफेक्टिव जी या जी नेट क्या आ रहा है, रूट ऑफ जी प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी नेट। तो अभी हमने देखो सारे केस पढ़ लिए, ऊपर को जा रहा हो, साइड में जा रहा हो, थीटा एंगल पर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, तो आप क्या निकाल लोगे, टेंशन निकाल लोगे और उसका एंगल भी निकाल लोगे। तो यहाँ से देखो अगर ये मान लो थीटा एंगल पर हैंग कर रहा है तो यहाँ से भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, उधर आ गया हमारा टेंशन। ठीक है,
तो अब इस पर मान लो कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सिस्टम है जो ऐसे हैंग कर रहा है 2 kg मास और ये 5 meter per second से ऊपर जा रहा है, 5 meter per second से ऊपर जा रहा है तो टेंशन बताना है। तो आप इसको बिना लिखे कर सकते हो, कैसे, 5 ऊपर जा रहा है, 10 जी कितना लग रहा है नीचे, 10, तो 10 + 5 = 15, 15 × 2 = 30, तो कितना हो गया 30 newton। कैसे, नीचे जो इसमें एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे 10 लग रहा है जी प्लस 5 × 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया वेट, तो ये कितना हो गया 10 + 5 = 15 × 2 = 30, तो ये हो गया 30 newton, यही टेंशन के इक्वल होगा, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 newton। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 3 kg है और ये 4 m/s² से नीचे आ रहा है, ये पूरा सिस्टम 4 m/s² से नीचे आ रहा है, तो अब इस पर टेंशन क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 10 − 4 × 3, तो 10 − 4 = 6, 6 × 3 = 18 newton हो गया, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा 18 newton। ऊपर जा रहा था तब देखो, पहले अगर ये ऊपर नहीं जा रहा होता तो टेंशन कितना था 10 × 2 = 20 newton, ऊपर जाने लगा तो टेंशन बढ़ गया 30 newton हो गया, नीचे आने लगा, पहले टेंशन कितना था 30 newton, नीचे आने लगा तो टेंशन कितना हो गया 18 newton, मतलब क्या हुआ, टेंशन घट गया। अब ऐसे ही मान लो किसी एंगल पर जा रहा है, तो किसी एंगल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो ये था 2 kg, इधर 3 m/s, ऊपर जा रहा है 4 m/s, ऊपर 4 m/s² एक्सेलरेशन एंड इधर 3 m/s² से एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि इसका दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, बट दोनों का रिजल्टेंट निकाल के करोगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। अभी इसमें हम ऐसे करवा रहे हैं कि ऊपर वाला जो जा रहा है वो नीचे वाले को कम कर देगा, तो इधर 10 − 6 कितना हो गया 10 − 4 = 6 इधर हो गया और एक इधर 3, तो इधर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा 6² = 36 + 3² = 9, तो ये हो गया इक्वल टू √45। तो अब इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसे हैंग करेगा और जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा 2 × √45 newton। ठीक है, और अगर एंगल निकालना हो तो एंगल भी निकाल सकते हो, चलो एंगल भी निकाल देते हैं डायग्राम बना के। अब ऐसे हो जाएगा हमारा सिस्टम, ठीक है, और इधर रिजल्टेंट आ रहा है √45, ये एंगल अगर थीटा निकालना हो, टेंशन तो हो गया 2 × √45 newton, अब अगर ये एंगल थीटा निकालना हो तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 3/6, ये वाला थीटा होगा, ये टेन थीटा 3/6 मतलब 1/3, तो थीटा क्या हो जाएगा 10 inverse 1/3। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा फोर्स की बात कर लेते हैं, तो मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है 2 kg और इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है 40 newton। ठीक है, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 40 newton, तो इसमें बताना है टेंशन कितना आएगा, आएगा 40 newton, जितना फोर्स लग रहा होता है इसमें उतना ही टेंशन आता है, बट हम इसको निकाल के दिखा दे रहे हैं 40 newton ऊपर को फोर्स लगा हुआ है, तो नीचे फोर्स कितना है 2 × 10 = 20 newton, तो ए कितना हो जाएगा 40 − 20
टोटल वर्टिकल फोर्स ऊपर 40 नीचे 20, तो 40 माइनस 20 अपॉन 2, तो ये हो गया 20/2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अभी हमने ये क्या बताया 10 आके नीचे ऐड हो जाएगा, तो 10 आके नीचे ऐड होगा, तो 10 प्लस 10, अभी एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 10, जी कितना है अभी 10, एक्सेलरेशन 10 है, ये वेट है 20, तो ये इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 10 इसमें आके ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, तो टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू 2 × 10 प्लस 10, तो ये हो गया 20 × 2 = 40, हमने क्या बोला था 40 न्यूटन आएगा, ठीक है 40 न्यूटन, बट ये हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो इस टाइप से जब सिंगल ब्लॉक है तो ये काम करेगा, अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक हो गए तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब इसमें मैं मास चेंज करके भी दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, मान लो यहाँ पर 2 kg ना लेके हमारा कितना होता 1 kg होता, 1 kg ऊपर क्या लग रहा है 40 न्यूटन, अब भी इसमें टेंशन 40 न्यूटन ही आएगा, ठीक है 1 kg ब्लॉक है, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है 10, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 40 − 10/1 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर को ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है इसको लाके पलट के इसमें जोड़ दो, तो टेंशन क्या हो गया T = 1 × 10 + 30 = 40 न्यूटन। तो इसमें आप मास वास जो भी चेंज करना हो कर लीजिए, जो फोर्स ये लग रहा है वही टेंशन होगा, बट ये इस समय ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे आने लगता है तो एक कंडीशन उसका भी देख लेते हैं, मान लो हमारा वेट हो गया, ये फोर्स 40 न्यूटन ही लग रहा है 40 न्यूटन, वेट हमने बढ़ा दिया 5 kg कर दिया 5 kg, अब एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा रिजल्टेंट, तो अब देखो रिजल्टेंट ये सिस्टम कितने से नीचे आने लगेगा, अब हमारे पास यहाँ फोर्स क्या आ गया 50, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा A = 50 − 40/5, तो ये हो गया 10/5 = 2 m/s² और ये डायरेक्शन कौन सा होगा डाउनवर्ड, अभी तक अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया 5 m/s², ठीक है 5 m/s². अब देखो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, तो अगर टेंशन निकालना हो तो पहले कितना था 5 × 10 पहले था एक्सेलरेशन, और 5 और नीचे को आ गया, तो ये इसका डायरेक्शन पलट के जुड़ जाएगा, तो मतलब पलट के जुड़ना मतलब घट गया, तो ये हो गया माइनस, तो अब यहाँ पर 5 − 10 − 5 × 5, तो ये हो गया 25 न्यूटन। अब देखो चेंज हो गया, अभी तक हमारा क्या आ रहा था, इसमें भी 40 आया था उसमें भी 40 आया था जब ऊपर जा रहा था, बट जब इसी को हमने इसको बढ़ा दिया किसको वेट को, तो ये चेंज हो गया। इसमें कहाँ तक चेंज नहीं होता, हमने 2 kg किया, 1 kg किया, 3 kg पर भी 40 रहेगा, 4 kg पर भी 40 रहेगा, 4 kg पर क्या हो जाएगा ये सिस्टम रुक जाएगा, अगर मान लो 4 kg ऊपर की तरफ लगाने लगे, 4 kg ऊपर 40 न्यूटन तो मतलब नीचे भी 40, मतलब ये सिस्टम रुका हुआ है, जैसे हम हैंग करते हैं तो ऊपर को भी क्या लगाता है, जिससे हम हैंग किए रहते हैं वो वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगाता है, ये कंडीशन है, यही कंडीशन 40 ऊपर 40 नीचे, तो ये 4 kg है, तो 40 न्यूटन नीचे लगेगा, तो ये रुका हुआ है, ठीक है, तो अभी भी टेंशन यहाँ पर क्या है T = 40 न्यूटन, तो जब तक ये ऊपर जा रहा था तब तक टेंशन क्या आ रहा था T = 40 न्यूटन, ठीक है, बट अगर ये नीचे आने लगा तो टेंशन चेंज हो गया। अब एक कंडीशन और हम इसमें 10 करके देख लेते हैं, तो मान लो ये सिस्टम 10 kg है, 10 kg और ऊपर लग रहा है
40 न्यूटन, अब नीचे कितना हो गया 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 60 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ नीचे की तरफ, ठीक है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब टेंशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 10 माइनस 10 माइनस 6, तो ये हो गया 10 माइनस 4, तो यहाँ से भी 40 न्यूटन आ गया, बट यहाँ पर अलग क्यों आ रहा था, यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं किया, 2 हाँ यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, ये 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ रहा है, तो ये नीचे 2 मीटर पर सेकेंड होगा, तो ये 10 माइनस 2 मतलब 40, तो हर एक कंडीशन में 40 आ रहा है, मतलब अगर कोई इस टाइप का सिस्टम है तो उसमें हमें देखना नहीं है, अगर 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, ठीक है 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है तो उसमें टेंशन 40 ही आएगा, नीचे आप कोई भी मास उससे अटैच कर लो, यहाँ पर हमने 2 केजी अटैच किया है, 1 केजी, 4 केजी, 10 केजी, 5 केजी, तो हर एक कंडीशन में क्या टेंशन आएगा स्ट्रिंग में 40 न्यूटन। तो ये कॉन्सेप्ट आप मतलब नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि अगर किसी भी सिस्टम में इस टाइप का कोई सिस्टम है, वन ब्लॉक सिस्टम, और ऊपर को कोई फोर्स F लग रहा है तो उसमें ऑलवेज टेंशन क्या आएगा F, चाहे उसमें वेट कोई भी किसी भी वेट मतलब कोई भी वेट उसमें क्या हो अटैच्ड हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए यहाँ पर मान लीजिए एक हमारे पास ये कोई सिस्टम है मास M, अब ये बताना है कि इसमें A से कितना नीचे मतलब नीचे को इसमें एक्सलरेशन कितना हो कि जो टेंशन आए T इक्वल टू एम जी बाई 4 आए, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A हमें फाइंड करना है, फाइंड ये व्हेन T इक्वल टू एम जी बाई 4, और एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक लिप टाइप का कोई है और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है M, और इसके नीचे एक वेइंग मशीन मान लो रखा हुआ है जो वेट कर लेता है मास को, ये तो ये लिफ्ट ऐसे जा रहा है A से, तो इसमें ये बताना है कि ये जो वेट मशीन है ये इसका वेट क्या रीड करे, ये रीड करे एम जी बाई 4। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे यहाँ पर टेंशन आप ऐसे कर लो टेंशन एम जी बाई 4 हो, या ये नीचे जा रहा है तो इसमें ये बेटिंग मशीन जो है हमारा ये क्या बेट इसका क्या बताए एम जी बाई 4, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ये टेंशन था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन एन, एन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर टी इक्वल टू था, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ए से नीचे आ रहा है तो हमने क्या बताया था कि यहाँ पर इक्व अगर ए से नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी माइनस ए, और वेट इसका कितना हो गया एम, ये हो गया टेंशन, और इसी को कितना होना चाहिए एम जी बाई 4, तो ये होना चाहिए एम जी बाई 4, समझ में आ रहा है। इसमें ये बताना है कि ये सिस्टम अगर ए से नीचे आ रहा है तो इसमें टेंशन कितना लगे एम जी बाई 4 लगे, या ये सिस्टम है ए से नीचे आ रहा है तो ये बेटिंग मशीन पर रखा हुआ है तो ये जो बेटिंग मशीन है ये इसका वेट कितना बताए एम जी बाई 4। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ये नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए हो गया है, तो जी माइनस ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इंटू एम वेट हो गया, वही टेंशन लगेगा, तो ये हो गया टी एम, टी क्या हो गया एम इंटू जी माइनस ए, यही क्या दिया हुआ है एम जी बाई 4 इसको लगना चाहिए, तो बस इसको सॉल्व कर लो, एम एम कैंसिल आउट, जी माइनस जी बाई 4 इक्वल टू ए, तो ए क्या हो गया 3g/4, तो अगर ये कितने से 3g/4 से नीचे आएगा पूरा सिस्टम तो टेंशन कितना लगेगा mg/4, ऐसे ही अगर ये कितने से नीचे आएगा a इक्वल टू
3g/4 से नीचे आएगा तो ये जो बेइंग मशीन है इसको वेट कितना रीड करेगा, mg/4। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, ये एक ब्लॉक है 4 kg, एक ब्लॉक इससे अटैच्ड है 2 kg एंड ऊपर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है एंड टेंशन बताना है। तो अब टू ब्लॉक सिस्टम आ गया, अब 120 न्यूटन नहीं होगा, 120 न्यूटन टेंशन नहीं होगा, नहीं तो सिंगल ब्लॉक होता तो 120 न्यूटन आ जाता, बट अब टू ब्लॉक सिस्टम आ गया तो सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखो केवल इस पर दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं, यहाँ पर 20 न्यूटन और यहाँ पर 60 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन और ये टी इधर, ये टी इधर, तो ये कैंसिल आउट हो गया टी, तो ये 40 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, दो फोर्स नीचे की तरफ, मतलब 40 + 20 और ऊपर की तरफ 120। तो रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 120 - 40 + 20 / टोटल मास 4 + 2। तो ये हो गया 120 - 60 / 6, तो ये हो गया 60/6 = 10 m/s². ठीक है, 10 m/s² से ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर टेंशन बताना है। तो यहाँ पर टेंशन बताना है तो इस वाले थ्रेड में टेंशन किसके अकॉर्डिंग होगा, केवल 2 kg से होगा, 4 kg इस पर कोई टेंशन नहीं बना रहा है, केवल वो एक फोर्स ऊपर को लगा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका हम क्या कर दें, 10 m/s से ऊपर जा रहा है 10 m/s², इसको पलट के इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पर अभी इसके पहले क्या था, एक्सलरेशन 10 m/s², तो अब कितना हो गया, टी कितना हो जाएगा, इसको अगर पलट के इसमें जोड़ देंगे तो 20 m/s² हो गया। अब और अब ये क्या मान लेंगे, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो मतलब ये हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 2 × 10 + 10, तो ये हो गया 20 × 2 = 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन। अब अगर यहाँ से हमें टेंशन निकालना हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालना हो तो 120 - t, इस वाले ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स हो गया इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन इंटू इसका मास, तो एक्सेलरेशन कितना आया था, 10 × 40, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 - 40, 1 मिनट, अच्छा प्लस ये टी की डायरेक्शन में 40 और लगा हुआ है, तो यहाँ पर टोटल फोर्स लिखना पड़ेगा, 120 - t - 40, दो फोर्स लगे हुए हैं ना, टी एंड 40, तो ये दोनों फोर्स यहाँ पर लिखना होगा। तो ये हो गया 40, ये 40 इधर जाएगा तो ये भी 40, तो ये 120 - 80 = 40 न्यूटन। तो यहाँ से भी क्या आ गया, टी इक्वल टू 40। यहाँ पर देखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दो फोर्स लग रहा है, टी प्लस 40, तो यहाँ पर 120 - t - 40, मतलब दोनों फोर्स आएगा यहाँ पर इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन 10 × 4। तो यहाँ से हमारा टी आ गया और इसको हमने शॉर्टकट से निकाला था, तो यहाँ से आ गया था हमारा टेंशन। ठीक है, तो इस टाइप से आप टेंशन निकाल सकते हो एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, 2 kg ब्लॉक 1 kg ब्लॉक, और इसमें एक जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसमें भी वेट है, ये 1 m है, 1 m, एंड वेट इसका भी दिया हुआ है 1 kg। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट बी, सी, ए, ए बी एंड बीच वाला सी, तीनों पॉइंट पर हमें क्या बताना है, टेंशन बताना है। बट इसमें स्ट्रिंग जो हमारा था, अब उसमें वेट आ गया है, तो उसमें वेट आ गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, टोटल फोर्स 8/टोटल वेट 2, 3, 4, तो ये हो गया 2 m/s² एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो यहाँ पर जो हमें टेंशन निकालना है, टी बी, टी बी क्या हो जाएगा,
टोटल यहां पर जितना फोर्स लग रहा है तो इस वाले फोर्स से टोटल कितने मास का मूवमेंट हो रहा है, 2+1, तो 2+1 टोटल मास हो गया इंटू एक्सलरेशन 2, तो ये हो गया 3 × 2 6 न्यूटन, तो टी बी कितना आ गया 6 न्यूटन। अब टी ए निकाल लेते हैं, टी ए कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है उस पर उससे कितने मास का मूवमेंट हो रहा है 2 kg, तो 2 × 2 4 न्यूटन। अब इसके बीच में सी पर हमें निकालना है, तो सी टी सी, अब हमें मास कितना लेना है 2 kg प्लस हाफ स्ट्रिंग का मास, तो टोटल 1 मीटर का 1 मीटर स्ट्रिंग है और उसका मास कितना है 1 kg, तो हाफ मीटर इतना हुआ, तो हाफ मीटर का कितना हो जाएगा ये वाला हाफ मीटर यहाँ तक, तो ये हाफ मीटर का मास कितना हो जाएगा 1/2 kg, तो टोटल कितना हो गया मास 2+1/2 मतलब 2+1/2 kg इंटू इसका एक्सलरेशन, तो इंटू 2, तो ये हो गया 5/2 × 2 = 5 न्यूटन, तो टी सी कितना आ जाएगा 5 न्यूटन, मतलब बी पर कितना टेंशन था 6 न्यूटन, जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं टेंशन घटता जाएगा, सी पॉइंट पर कितना आ गया 5 न्यूटन, ए पर कितना आ गया 4 न्यूटन, तो अगर वेट आ गया स्ट्रिंग में तो जैसे जैसे स्ट्रिंग में इस साइड में आप बढ़ोगे टेंशन घटता जाएगा, आप देख लो बी पर कितना है 6 न्यूटन, सी पर आए 5 न्यूटन, ए पर आ गए अगर तो कितना हो गया 4 न्यूटन, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन दे दिया जाए टेंशन बिटवीन ए एंड सी, तो उसका आंसर क्या आएगा ए एंड सी में बिटवीन 4 to 5, ऐसे दिया जाए टेंशन बिटवीन सी एंड बी, तो सी एंड बी में क्या आंसर आएगा बिटवीन 5 और 6, कुछ भी हो सकता है जिस एक एक हर एक पॉइंट पर वेरी करेगा, बी एंड सी में कैसे वेरी करेगा 6 to 5 to 6, मतलब हर एक पॉइंट पर वेरी करेगा, जैसे यहाँ पर 6 हो गया तो यहाँ पर 5.9 5.8 5.4 5.3 5.1 ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इस टाइप से अगर मास हो गया स्ट्रिंग में तो हर एक पॉइंट पर टेंशन वेरी करेगा, उसमें टेंशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा है हम एक ही टेंशन पूरे स्ट्रिंग में मानते थे ऊपर भी नीचे भी, तो अगर आप मास आ गया तो इस टाइप से टेंशन वेरी कर जाएगा, तो इसको आप लोग नोट करिए। यहाँ पर देखिए IIT में आया हुआ क्वेश्चन है 2.9 kg ब्लॉक का मास है एंड 1.9 kg, बीच में एक स्ट्रिंग है जो मास है जिसमें 1 मीटर लेंथ है एंड इसमें दिया हुआ है 0.2 kg per meter, मतलब 0.2 kg per meter इसका लेंथ है, 1 मीटर का तो लेंथ कितना हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है, अगर 2 मीटर होता तो कितना हो जाता 0.4 kg, बट यहाँ 1 ही मीटर है तो 0.2 kg per meter दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, बट यहाँ पर 1 ही मीटर है तो 0.2 kg ही हो जाएगा, और ये पूरा सिस्टम 0.2 m/s² से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या मानेंगे सबसे पहले कि ये इसको हम रेस्ट पर कर देंगे और इसको एक्सलरेशन यहाँ नीचे दे देंगे, यहाँ पर जी दिया हुआ था 9.8, तो नीचे एक्सलरेशन कितना हो जाएगा 9.8 × 0.2 = 10 m/s² नीचे को हो गया एक्सेलरेशन, इसका मतलब अभी रेस्ट में हो गया और टोटल एक्सेलरेशन इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेंशन बताना है, एक तो यहाँ पर बताना है पॉइंट सी पर और एक यहाँ पॉइंट बी पर, ठीक है, या पॉइंट सी इसको ले लेते हैं, इसको पॉइंट ए, चलो और भी बीच में भी निकाल लेंगे, टेंशन निकालना होगा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बी पर टेंशन निकाल लेते हैं, तो पॉइंट बी पर टेंशन निकालने के लिए टेंशन कैसे निकालोगे, टोटल मास जितना भी मास आ रहा है पॉइंट बी, टेंशन ऑफ पॉइंट बी, टोटल मास ले लेंगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 2.9 + 1.9 + 0.2 इसका, तो ये हो गया 0.2 × एक्सेलरेशन, जो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है 10, ठीक है, टोटल मास हो गया इनटू जो रिजल्टेंट, ये 2 को हमने यहाँ पर कंबाइन कर लिया है, मतलब इसका रिजल्टेंट ले लिया है, तो ये आ गया 10, तो यहाँ पर देखो 2.9 1.9 0.2, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 3.1 यहाँ से लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 0.1 यहाँ से तो 2, तो ये हो गया 5,
तो 5 × 10 इक्वल टू 50 न्यूटन। तो यहाँ पर तो टेंशन आ गया 50 न्यूटन। अब यहाँ पॉइंट सी पर टेंशन निकालना है, तो पॉइंट सी पर टेंशन निकालने के लिए कितना मास लेंगे, एक तो 1.9 प्लस ये वाला, तो ये 1 मीटर का कितना है 0.2 मीटर पर केजी, तो हाफ केजी, हाफ मीटर का कितना हो जाएगा 0.1 केजी। तो यहाँ पर 0.1 केजी ऐड कर देंगे इंटू 10, तो ये हो गया 2 × 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। इतना हमें निकालना था आईआईटी वाले क्वेश्चन में, बट अगर इस पॉइंट पर भी टेंशन निकालना होता, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर टेंशन क्या हो जाएगा, इसको अगर टी ए मान लें तो टी ए पर टेंशन क्या हो जाएगा, किसका वेट, केवल नीचे वाले का वेट, 1.9 × 10 मतलब 19 न्यूटन। ठीक है, 19 न्यूटन। ऐसे अगर इस वाले पॉइंट पर निकालना होता टी बी सी, इसको डी मान लेते हैं, टी डी पर, तो यहाँ पर कितना वेट आ जाता, 1.9 प्लस 1 मीटर का टोटल वेट, तो हो गया 0.2 × 10, तो ये हो गया 2.1 × 10 इक्वल टू 21 न्यूटन। तो अब देखो यहाँ पर हमें वेट अगर आ गया स्ट्रिंग में, तो हर एक पॉइंट पे वेरिएबल हो जाएगा क्या, मास वेरिएबल मास हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ए पर 19, तो और सी पर कितना आ रहा है 20, और डी पर कितना आ रहा है 21। तो हर एक पॉइंट पर मास यहाँ पर वेरी कर रहा है। अगर पूछा जाए टेंशन बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी का क्या आंसर होगा, ए एंड सी, तो 19 × 20। ए और सी में कितने, ए और सी के बीच में टेंशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 19 newton to 20 newton। जबकि सी और डी में कितना वेरी करेगा, सी और डी 20 to 21। सी एंड डी में कितना टेंशन वेरी करेगा, 20 to 21। बट इस वाले पूरे लेंथ में टेंशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग मासलेस है, और वो कितना रहेगा 50 न्यूटन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आईआईटी में आया हुआ। चलिए एक थ्री ब्लॉक वाला एक ले लेते हैं, जिसमें ऐसे थ्री ब्लॉक हैं और ये इस पर टोटल फोर्स ऊपर को कितना लगाया गया है, 120 न्यूटन। तो देखते हैं इसका एक्सेलरेशन बताना है और यहाँ पर टेंशन बताना है T1 और T2। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए टोटल नीचे को फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ लगा 30 न्यूटन, यहाँ 20 न्यूटन, यहाँ 10 न्यूटन। ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो 120 माइनस नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, 10 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 120 माइनस ये कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन निकालना है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया ऊपर 10 मीटर, यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर इसको हम रेस्ट में मान लें तो ये नीचे आके ऐड हो जाएगा, मतलब 10 + 10 यहाँ पर हो जाएगा, 10 पहले से ही था, 10 आके यहाँ पर ऐड हो गया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो मास 3 kg इंटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 20, तो ये हो गया 60 न्यूटन। जबकि पहले जब एक ही ब्लॉक रहता था तो क्या आता था, 120 ही आता था, बट अब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा ब्लॉक आ गए हैं। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर टोटल मास ले लेते हैं, टोटल मास 3 + 2 इंटू एक्सेलरेशन रिजल्टेंट 20, तो ये हो गया 5 × 20, तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर अलग मेथड से हमें टेंशन निकालना हो तो अलग मेथड से कैसे निकालेंगे, 120 फोर्स ऊपर, ये 10 न्यूटन और T2 नीचे, तो 10 − T2 इस वाले ब्लॉक पे टोटल फोर्स हो गया 120 ऊपर 10 नीचे,
एंड टी टू नीचे, तो ये 120 माइनस 10 माइनस टी टू हो गया, इंटू इसका वेट इंटू इसका एक्सलरेशन, तो इसका वेट 1। अब कौन सा एक्सलरेशन लेंगे, केवल रिजल्टेंट जिससे ये चल रहा है, अब ये वाला नहीं लेंगे। ये कब लेते थे, जब इसको हम रेस्ट मान के टेंशन निकालते थे। अब हमें कौन सा एक्सलरेशन लेना है, 10, तो ये अब क्या हो गया, टी टू उधर जाएगा और ये 110 माइनस इधर आएगा 10 इक्वल टू टी टू, तो यहाँ से टी टू कितना आ गया, 100 न्यूटन, जो कि यहाँ से भी आया था। अब इसको अगर चेक करना हो तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टेंशन कितना आ रहा है, 100 न्यूटन, यहाँ पर 60 न्यूटन, मतलब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर 100 नीचे 60 प्लस 20 80, तो 100 और नीचे 60 प्लस 20 80, तो 100 माइनस 80 20 न्यूटन, 20 को 10 से डिवाइड 2 से डिवाइड करोगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मतलब सब कुछ सही है, जो हमने निकाला वो सही है। नीचे वाले पर देख लो, नीचे वाले पर फोर्स टोटल कितना लग रहा है, ऊपर 60 न्यूटन, नीचे 30 न्यूटन, दोनों को 60 माइनस 30 करोगे 30 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 10 मीटर पर सेकंड, जो कि पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर देखो, हमने टेंशन को दो मेथड से निकाला है। एक को आपको क्या करना है, जो रिजल्टेंट एक्सलरेशन आया उसको पलट के इसमें ऐड कर देना है, तो इसको दोनों एक डायरेक्शन में हो गया तो ऐड होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस होगा। तो इसको अगर पलट के इधर लाओगे तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, ऐड हो गए, 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अब क्या कर देना है, T1 निकालने के लिए ये वाला वेट इंटू ये 20, तो ये हो गया रिजल्टेंट यहाँ पर टेंशन 60 न्यूटन। यहाँ पर क्या करना है, T2 निकालने के लिए पूरा वेट ले लेना है और यहाँ पर क्या कर देना है, पूरा वेट इंटू पूरा वेट 3 प्लस 2 5 इंटू 20 100 न्यूटन। अब ऐसे ही अगर यहाँ 120 ये वाला फोर्स निकालना होता, मान लो ये सब दिया होता, 120 ना दिया होता, तो यहाँ पर अगर निकालोगे तो 120 आएगा। 120 कैसे आएगा, T3 यहाँ पर मान लो, तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जो भी हमारा वेट है, तो टोटल वेट कितना हो गया, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 6 इंटू 20, तो कितना हो गया 120। तो यहाँ पर भी अगर T3 निकालोगे तो 120 आएगा इस हिसाब से। तो किसी भी पॉइंट पर, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना हो, कहीं भी एक्सेलरेशन निकालना हो, सब कुछ निकल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है हमारा लेक्चर, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।